नीमच जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा रविवार को महू रोड स्थित फर्म वरुण इंटरप्राइजेस पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसके तहत 10 क्विंटल से अधिक कलौंजी मिलावट होने के कारण जब्त की गई, जिसका मूल्य 1 लाख से अधिक बताया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा ने बताया कि वरुण इंटरप्राइजेस, जिसके प्रोप्राइडर राम अवतार गर्ग के यहाँ से कलौंजी पर कलर चढ़ाने के कारोबार की सूचना मिली थी, जिस पर यहाँ कार्रवाई की गई है। लगभग 35 बोरी में कलर किया हुआ कलौंजी जब्त किया है। फिलहाल कलौंजी के सैंपल लिए गए हैं। आज दोपहर में जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे वरुण इंटरप्राइजेस नामक एक फर्म संचालित होती है कब्रिस्तान के सामने महावीर नगर रोड पर, और यहाँ पर जब जांच की गई गोडाउनों पर तो यहाँ पर काम होता हुआ पाया गया। यहाँ पर कलौंजी के ऊपर जो है रंग चढ़ाने का कार्य किया जा रहा था, और मौके पर काफ़ी मात्रा में यहाँ पर कलौंजी मिली है। छत पे भी करीबन 5 से 6 बोरी इन्होंने सुखाई हुई थी और लगभग 30-35 बोरी यहाँ पर नीचे हैं। इनके यहाँ पे गोडाउन में जब चेक किया गया तो 3 अलग अलग ड्रम भी मिले हैं, जिसके ऊपर पेस्टल ब्लैक कलर लिखा हुआ है। हालांकि वो खाली थे, लेकिन अंदर उसमें कलर के ट्रेसेस मौजूद हैं। और एक यहाँ पे सागर डाई केमिकल्स की ब्लैक कलर की थैली भी प्राप्त हुई है, और इसीलिए यहाँ से कलौंजी का नमूना लिया जा रहा है। और कलौंजी के साथ में यहाँ पे अखाद्य काला रंग जो मिला है उसका भी नमूना लिया जा रहा है। वॉइस ऑफ MP के लिए नीमच से मुश्ताक अली शाह की खबर।